नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। मेरे साथ मौजूद हैं आज साक्षात्कार करने के लिए, बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। नड्डा जी, न्यूज 18 पर आपका अभिनंदन है। ये जो चुनाव है, ये नए युग का चुनाव माना जा रहा है, क्या आपको लगता है? क्योंकि ये नए युग का चुनाव इसलिए भी, हमेशा बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई रहती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ने भ्रष्टाचार किया है, एक मौका हमें दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, अमित जी, मेरे को कई बार ये सोचने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूं कि उन पर टिप्पणी क्या करूं। जी देखिए, चुनाव जीतना हारना तो अलग है, मैं उसके बारे में अलग से बोलूंगा, पर मुझे अब समय दीजिएगा। जी जी जी। सबसे पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि ही हैज लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी, और लीडर के लिए क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कह रहे हैं गुजरात को कोई छू नहीं पाता, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार मैं छू भी पाऊंगा और इस बार मैं मुख्यमंत्री भी बनवा ले जाऊंगा। बिल्कुल अच्छी बात है, सोचने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन सच्चाई धरती की तो मैंने आपको बता दी, जमानतों से तो बाहर, जमानत तो जब्त कराते रहते। कितनी बड़ी चुनौती आपको गुजरात में लगती है? हमको कभी चुनौती नहीं दिखती है, मोदी जी के नेतृत्व में जनता स्पष्ट है, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रदेश एक पर एक आगे बढ़ रहे हैं। मेरा अगला सवाल यह है कि गुजरात में 2002 से लगातार विधायकों के टिकट काटे गए हैं, ये क्या बताता है? और आपने पीछे पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था गुजरात का। देखिए, मैं आपको सब बताऊं, ये जीवंत पार्टी है, ये हर दिन हर पल नए ढंग से सोचने की तरीके से काम करती है जी, और ये रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है और पार्टी है। तो ऐसी पार्टी में नए लोगों को चांस देना, ये हमारा उद्देश्य होता है। आफ्टर ऑल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो 5 साल की अवधि के बाद 15% 20% नए लोगों के, नए चेहरे आना, आखिर पार्टी नहीं तो एक तरीके से स्टैग्नेंट हो जाएगी और डॉर्मेंट हो जाएगी, तो वो हमारा उद्देश्य होता है और उसको गुण दोष के आधार पर हम करते हैं। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा चांस मिल सके, हम कोशिश करते हैं, जीतना हमारा क्राइटेरिया। आप कहते हैं ये मतलब आपकी चुनाव लड़ने की रणनीति है जिसमें आप नए चेहरे? रणनीति चुनाव लड़ने की नहीं है, ये पार्टी को चलाने की रणनीति है। हमने देखिए महेश जी, लोगों को इसको ध्यान में नहीं रखते, 45 साल से ऊपर का कोई आदमी जिला अध्यक्ष नहीं रखा है, इंटेंशनल है। 30 साल से ऊपर का कोई हमने युवा मोर्चा का अध्यक्ष नहीं रखा, इंटेंशनल है, संविधान में कहां लिखा हुआ है, लेकिन हमने नहीं रखा है। तो उसी तरीके से ये क्या प्लानिंग थी जिसमें आपने पूरा मंत्रिमंडल गुजरात के अंदर बदल? गुजरात में हमारा इतने सालों से काम है, सबसे पुराना काम है, और वहां पर लोगों को साथ लेकर के उनका आशीर्वाद हमारे को मिलता है। वहां एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ये भी करके देखा, पिछली बार हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन MCD के चुनाव में पुरानों को किसी को भी टिकट नहीं दिया, ये एक्सपेरिमेंट किया ना हमने। अरविंद केजरीवाल ने भी राजनीति का मौसम को गर्म कर दिया है, वो गुजरात में जो टाल ठोक रहे हैं, क्या वो बीजेपी के लिए चिंता की बात है जिस तरह से गुजरात में एग्रेसिव हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल? वो कब एग्रेसिव नहीं हुए और कब उन्होंने कौन सी बात झूठी बात को बहुत भोले अंदाज में नहीं कहा? वो कहते हैं झूठ मेरे ऊपर ठारा थोपा जाता है, वो कहते हैं शराब कांड झूठ है, वो कहते हैं कि बीजेपी र्यूमर मॉन्गरिंग कर रही है, अफवाहें उड़ा रही है उनके बारे में लगातार। अगर इस तरह की बातचीत है तो जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं उसका जवाब क्यों नहीं देते? 2% का कमीशन को 12% का कमीशन का जवाब क्या है? उसमें से 6% के कीबैक पर जवाब क्या है? आप क्योंकि अब राहुल गांधी की बात करनी जरूरी होती है, राहुल गांधी को आप सीरियस लीडर नहीं मानते थे, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जिसमें 3,500 किलोमीटर की वो यात्रा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी में ये बदलाव जो है ये बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों के लिए चिंता की बात हो सकता है? देखिए, स्पेशली कर्नाटक, देखिए वो उनकी पार्टी है और वो खुद नेता हैं, वो कोई एक्टिविटी करते हैं, अच्छी बात है, मुझे तो खुशी हुई कि चलो घर से बाहर निकले, ट्विटर से बाहर निकले, फेसबुक से बाहर निकले, धरती के साथ जुड़ने का प्रयास किया है। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा की आप बात करते जी, हैं जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं देखिए पॉलिटिक्स में अ लीडर इज नोन बाय वॉट ही स्पीक्स, और वही कंटेंट उसके उसके इंटेंट को बता देता है, वही कंटेंट उसके इंटेंट को बताता है। उत्तर प्रदेश जो था वो एक तरह से मिनी इलेक्शन होता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का चुनाव जो होता है वो मिनी इलेक्शन हो जाता है, लेकिन ये बीजेपी के लिए खासतौर पर साख की बात है, एक आपका गृह प्रदेश, दूसरा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का गृह प्रदेश। हाँ।